आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो है। यह जो क्लास परफॉर्म होगा वह क्लास 9 के लिए है, और क्लास 9 को पिछले बार जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने देखा है रैशनल नंबर, राइट, और इसकी जानकारी हमने दिया आपको। और केवल एक बार आपके माइंड में यह हम फिर से डालना चाहेंगे कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा, और क्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा, और साथ साथ पी एंड क्यू के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। पी एंड क्यू हैव नो एनी कॉमन फैक्टर, इस बात की जानकारी हम लोग ले लिए हैं पहले से। दूसरी बात है कि इस चीज़ को भी हम बताएं आपको कि यदि रैशनल नंबर लिखेंगे तो यह दो चीज़ देगा। देखिए, या तो टर्मिनेट कर जाएगा, हम आपको बताए हैं कि या तो टर्मिनेट करेगा, और अगर नहीं किया तो नॉन टर्मिनेट करेगा। रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट करेगा। अगर नॉन टर्मिनेट करेगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, जैसे 1/2 को हमने लिखा था 0.5, लेकिन 1/3 को लिखा था 0.333, ऐसे करके वो इनफिनाइट टाइम्स तक 3 आता जाएगा, लास्ट कभी नहीं करेगा, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेट। तो नॉन टर्मिनेट करेगा, लेकिन साथ साथ कंडीशन क्या रहेगा कि वह नंबर जो है रिपीट करेगा। सो नॉन टर्मिनेट विथ क्या हो जाएगा, रिपीट करेगा, राइट, नॉन टर्मिनेट करेगा और रिपीट करेगा विथ रिपीटिशन ऑफ नंबर। ये रैशनल नंबर की बात यहां तक हम लोग कर चुके हैं। अब रियल नंबर के दो हिस्से हैं। रियल नंबर दो हिस्सों को रखता है, एक रैशनल को रखता है और दूसरा इरैशनल को रखता है। तो हम रैशनल की बात कर रहे थे, आज इरैशनल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम इस बात को आपको बताए थे कि रैशनल नंबर जो भी होगा, जितना भी रैशनल नंबर, फिर से आपको एक मेमोरी में डाल रहे हैं, जितना भी रैशनल नंबर होगा पी बाई क्यू के रूप में हो, टर्मिनेट करे नॉन टर्मिनेट करे, वो एकदम सीधा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है, सीधा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है। नंबर लाइन एक ऐसा लाइन जिसमें हम नंबर को लिखते हैं 0 से लेके पॉजिटिव की ओर 1, 2, 3, और फिर नेगेटिव की ओर -1, -2। ये पिछले बार आपको बताए थे, नंबर लाइन हम लोगों का क्या है, हम लोगों का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो नंबर लाइन का, शरीर का स्ट्रक्चर नंबर लाइन का है। आप हाथ को ऐसे फैला दें, ये जो है राइट साइड आप देख रहे हैं हमारा, वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर को, और ये जो सिर है आप समझिए ये 0 है, ये पूरा, तो ये पूरा इंटीजर की कहानी बताता है। ये पूरा अगर हो जाए नंबर लाइन पर, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, 0 हो जाए, इसको इंटीजर कहते हैं, राइट, एक साथ। चलिए, तो हम ये बात बता रहे थे कि यह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट आसानी से किया जा सकता है। अब इरेशनल नंबर की बात, जो इस रूप में न लिखा जा सके, जो इस रूप में न लिखा जा सके, हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो हम आपको क्या बताएं कि एक दूसरा प्रकार का जो नंबर होता है वह रूट अंडर, पिछले क्लास को आप देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो हमारा इसके पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, एक बार बात समझ में आ जाएगी। यदि इरेशनल नंबर, आपको बता रहे थे हम कि रूट अंडर 4 अगर लिखते हैं तो +-2 लिखते हैं, रैशनल हो गया, स्क्वायर रूट 4 +-2, 2 को दो बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 आ जाएगा, फिर -2 भी क्यों, तो -2 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 से, तो कहीं माइनस रहेगा नहीं, क्योंकि माइनस दो बार आ गया, -(-) क्या होगा, प्लस होगा, और 2 × 2 = 4, तो आ गए 4 पर,
तो ये दोनों वैल्यू दे रहा है, प्लस भी और माइनस भी। यह प्लस टू भी रैशनल नंबर है, 2/1 लिख सकते हैं, माइनस 2/1 लिख सकते हैं, दोनों रैशनल नंबर, यानी रूट 4 जो होगा वो रैशनल नंबर होगा, राइट। रूट 9 जो होगा वह भी प्लस माइनस 3 देगा, रैशनल नंबर हो गया, रूट के बाहर निकल गया। अगर रूट के बाहर निकल जाए, सीधा सीधा बाहर निकल जाए, तो वह रैशनल नंबर देगा। इस बात को आप समझिए। अब इसकी बात हम आपसे पहले भी कर चुके, केवल हम मेमोरी में डालने के बाद एक क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस देखिए, अब रूट अंडर थ्री, हम पिछले बार बताया आपको, 1 × 1 1 आएगा, 2 × 2 पर जाइए 4 आएगा, 3 × 3 पे जाइए 9 आएगा। यह 3 तो कभी आ ही नहीं रहा है, 1 के बाद 4 जंप किया, 9 जंप किया, ये नंबर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। ये 3 जो कमजोर है, वो बेचारा आदमी वो फंस गया है, 3 नहीं आ रहा है। तो यह जो है इरेशनल नंबर होगा। हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, सही आसान तरीके से, कहिए आसान तरीके से इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने के कारण इसको हम जल्दी निकाल नहीं पा रहे हैं, और इस प्रकार के नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होगा, आप देखिए, एक तो परफेक्ट स्क्वायर इसको नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना। अब 3 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्लास 8 के जैसा 3 स्क्वायर रूट निकालते हैं, और 3 का स्क्वायर रूट जो होगा बच्चा वो कैसा होगा, 3। देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, हम करते हैं बात 1 × 1, दोनों तरफ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्यों ऐसा होगा, इसकी बात भी हम आपको नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि यह क्लास 8 का स्क्वायर रूट निकालने की पद्धति है, उसी को हम परफॉर्म कर रहे हैं अभी, और जब क्लास 8 के लिए वीडियो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। बाहर से कुछ अगर शोर आ रहा है तो उसको आप नज़रअंदाज करेंगे। देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो टर्म यहाँ लिखेंगे वही टर्म को दोबारा इधर राइट साइड भी लिखेंगे, राइट। ये आपका डिवाइजर है, ये कोसेंट है, 1 × 1 = 1। चलिए, आपको आता होगा रूट निकालना, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। 3 में 1 माइनस कीजिए, 2 आ गया। इस 1 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं इधर आके, इस 1 को इधर ला के ऐड करते हैं, रिजल्ट क्या होगा, 2, 1 × 1 2 आएगा। अब इस 2 पर कोई वैल्यू रखेंगे, वह यहाँ भी रखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू अगर 1 रखते हैं, 2 पर 1 रखते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा, तो 21 हो गया ये वाला तो, और यहाँ क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इससे इसका मल्टीप्लाई होना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 है और यहाँ 21 आ रहा है। सो आगे जाने के पहले आप यहाँ पॉइंट बैठा दें, हम आगे निकालना चाह रहे हैं इसको आफ्टर डेसिमल, क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं और पहले पॉइंट लगाते हैं कि 3 के बाद हम कितने डिजिट तक निकालना चाहते हैं, डेसिमल के कितने डिजिट के बाद निकालना चाहेंगे। देखिए यहाँ डेसिमल लगाएंगे ना आप, तो यहाँ भी लगा दीजिएगा, दोनों तरफ डेसिमल लगाइएगा आप, उसके बाद 2 0 बैठाइए, 1 साथ 2 0 पेयर लगेगा, यहाँ जब भी होगा तो क्या लगेगा, पेयर होगा। स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो पेयर में नंबर आएगा, स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है कि डबल डबल करके हम लगाएंगे, तो 2 0 लगाएंगे, 2 0 का मतलब है डेसिमल के एक डिजिट तक निकल सकता है, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट हम और निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 2 0 और बैठा दीजिए, तो डेसिमल के 2 डिजिट तक हम निकालेंगे, क्योंकि 2 पेयर 0 हो गया, राइट। यहाँ पे देखिए सिंगल पेयर है, ये दोनों मिलके डबल हो गया, यानी 2 पेयर हो गया, 2 पेयर्स हो गया, तो 2 पेयर में एक पेयर डेसिमल का एक अंक देगा बाद वाला, फिर दूसरा पेयर डेसिमल के बाद दूसरा अंक देगा बाद वाला, तो हमने क्या किया, 2। चलिए 3 तक निकालते हैं, एक पेयर और लगा देते हैं, तो डेसिमल के 3 डिजिट तक जाएंगे हम लेके इसको। इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट और मिलना चाहिए, 3 डिजिट मिलना चाहिए, क्योंकि हम 3 पेयर लगाए हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, जितना पेयर लगाते जाएंगे उतना डेसिमल के बाद का हमारा डिजिट निकलता जाएगा। चलिए अब आते हैं
डेसिमल यहां पर हो गया, यहां पर भी हो गया, डेसिमल इधर लगाए उधर लगाए, समाप्त हो गया, डेसिमल की कहानी खत्म। इस जीरो को उतारिए, याद रखिए इस स्क्वायर रूट में जब भी हम काम करेंगे तो हमेशा पेयर के रूप में उतरेगा ऊपर से। डिवीजन में क्या करते हैं, सामान्य डिवीजन में एक एक डिजिट उतारते रहते हैं, यहां पर पेयर उतरेगा एक साथ। अब देखिए यहां पर 200 हो गया, यहां पे 2 है, अब डिवाइड करेंगे। पहले हम 7 ही बैठा देते हैं, चलिए 7 बैठा देते हैं, नहीं होगा 7 में ज़्यादा होगा तो 6 ले लेंगे। यहाँ पे आया 27, इधर क्या है 7, चलिए 7 जब 49, 94, 72 जब 14 एंड 4 18, सो 189 आ चुका है। अभी भी 200 से ये कम है, देखते हैं 28 को लगा के, 8 जब 64, 4 6 4 एंड 8 टू जै 16 एंड 6 22, इट इज़ ग्रेटर देन 200। सो यहाँ पर लिमिट हो गया, 28 नहीं हो सकता है, 27 हो सकता है, सो 27 यहाँ भी रिजल्ट क्या आएगा 189। एंड माइनस करते जाइए, बस कुछ कीजिए मत, आप माइनस करते जाइए, स्क्वायर निकालते जाइए, कुछ करना नहीं है। सो 10 9 1, फिर अगेन 1 एंड दिस इज कैंसिल, सो 0 एंड यू अगेन एड दिस नंबर 7 राइट 34। फिर से देखिए आप, एक जीरो, एक पेयर जीरो उतारे थे, दूसरा पेयर जीरो फिर से लगाइए आप जरा। चलिए अब डबल जीरो फिर से लगा दिए, 34 नंबर आपके पास इंतजार कर रहा है, 34 के ऊपर चलिए दे देते हैं, क्या दे दें, चलिए 3 दे देते हैं, यहाँ 3 दे देते हैं, यहाँ भी 3 दे देते हैं, देख ही लेते हैं क्या होता है। चलिए 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 2 1 बैलेंस, 3 जा 9 1 10, 1 0 2 9, 1 1 0 0, ये कम है, लग सकता है, लगा देते हैं। चलिए 1 0 2 9, 4 बैठाएंगे ना तो ज़्यादा आ जाएगा फिर, इसलिए 4 3 जा 12 हो जाएगा, खैर उसको छोड़ देते हैं। और आप देखें अब क्या होगा, यहाँ पर 10 9 1 बैलेंस, आप माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, उसको ध्यान में देंगे, 9 2 7, ओके नाउ इट इज अगेन कैंसिल, सो यू हैव 71 एंड अगेन एक पेयर जीरो का बचा हुआ है, एक पेयर रेस्टोरेंट, एक पेयर बचा हुआ है, दो पेयर हमने डाले, एक पेयर और लगाइए, 0 0 आ गया, ये 3 यहाँ पर ले आइए राइट, ऐड कीजिए 3 4 6, थोड़ा ऐड करके इधर लिखें आप, देखिएगा 3 3 6 3 4 6, अब हमारे पास क्या है 7100, देखते हैं क्या होता है। 7100 पर आप गौर करें, 3 4 6 3 4 6 राइट, या ये वाला है, 2 लगा के देखिए, 2 लगा लेते हैं क्या होता है, यहाँ भी 2 देंगे, यहाँ भी 2 दे देंगे, देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 2 2 जा 4 6 2 जा 12, 2 बैलेंस 1, 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6, अगर मल्टीप्लाई गलत हो जाए तो आप सही कर लेंगे, 6 9 2 4, देखिए 6 9 2 4, अब आप बोलेंगे कि 3 बैठा दीजिए, नहीं 3 में ज़्यादा हो जाएगा, 3 जैसे यहाँ बैठाएंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। और हम डेसिमल के देखे 3 नंबर तक ले गए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ले गए हम, 1 2 3, हमने कितना जीरो डाला था, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, जितना पेयर दिए थे उतना पेयर का हम काम कर चुके। लेकिन आप इसके बाद भी करें, इसके बाद भी करें, यह कभी भी लास्ट नहीं करेगा, यह कभी भी लास्ट नहीं करेगा, ये लंबा सा चलेगा डिवीजन राइट, लंबा सा चलेगा, और कभी भी यह डिवीजन का जो रिजल्ट होगा कोसेंट, इसको कोसेंट कहते हैं, वह कभी भी द एंड नहीं करेगा और कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा, 7 3 2, फिर पता नहीं क्या क्या आएगा, कभी भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। नॉन टर्मिनेटिंग है, जो अंत ना करे उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, और यहाँ पर इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, आपको दिखा रहे थे इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी राइट, इरेशनल का प्रॉपर्टी देख रहे थे हम लोग। तो इरेशनल नंबर क्या है, यहां पे जरा हम अब बात करते हैं इरेशनल नंबर राइट।
इरेशनल नंबर क्या है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग राइट एंड नॉन रिपीटिंग ये रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग, इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन राइट। कैसा होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग राइट। सो इट इज कौन सा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में हम लिख रहे हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल राइट। राइट एज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, एज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ऐसी कहानी इसकी बन सकती है। तो अंतर क्या हो गया रैशनल नंबर में? क्या बोले? रैशनल नंबर में बोले, रैशनल की बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर में बोले नॉन टर्मिनेट करेगा लेकिन रिपीट करेगा। इरेशनल में क्या बोले? नॉन टर्मिनेट करेगा, रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग, वो चलता जाएगा। बहुत टेढ़ा नंबर है, इसीलिए नंबर लाइन पर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तब यह कभी भी सीधा नहीं आता है। इसके लिए कंपास चाहिए, इसके लिए स्केल चाहिए, इसके लिए पेंसिल भी चाहिए राइट। इरेशनल नंबर टेढ़ा ही होता है हर समय, वह एक कर्व पाथ बनाता है, सर्कुलर पाथ बनाता है। तो उसके बाद हम नंबर लाइन पर फिर लेके आते हैं। तो इरेशनल नंबर टेढ़ा है, रैशनल नंबर सीधा है। रैशनल नंबर सीधा इसलिए है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, स्केल और पेंसिल उठाइए और खींच डालिए, हो जाएगा। इरेशनल नंबर में स्केल, पेंसिल और कंपास तीनों की जरूरत पड़ जाती है। चलिए, इरेशनल नंबर आप जान गए होंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है राइट। टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा। तो फिर आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास जो जाएगा वह कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो बिल्कुल सामान्य हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, सामान्य हैं, याद रखें, उनके साथ हम लोग जाएंगे और फिर देखते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए और आप सीखते रहिए।